तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है मिलन सर। यस। तो और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो हम इनसे जानेंगे थ्रू आउट कि इनका फर्स्ट डे से लेके अभी तक कैसा रहा, यहाँ का डिसिप्लिन कैसा रहा, और थ्रू आउट जो ये सोचे थे क्या उनको ये चीज़ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अपना नाम बताइए। सचिन, ओडिशा से। ओडिशा। आप बताइए। सुशांत, ओडिशा से। आप बताइए। सुजीत, उड़ीसा से। तो ये तीनों ही उड़ीसा से ही है स्टूडेंट। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने पहले दिन काउंसलिंग की क्लास ली थी और अभी आज आपकी फेयरवेल का डे है, तो जो आपने सोचा था और जो हमने एक बात बोला था कि अगर आपसे समझ में नहीं आता है तो आप चार दिन में वापस भी जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं गए चार दिन में वापस? जाने की जरूरत नहीं पड़ा। आपको क्यों नहीं गए? सर, यहाँ तो सीखने के लिए आए थे, थोड़े ही जाने के लिए आए थे। आप क्यों नहीं गए? हम तो सीखने के लिए आए थे, यहाँ अच्छा नॉलेज मिलता है इसीलिए। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ, हार्डवेयर की क्लास देव सर के साथ कैसी रही? बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छी रही। आपकी कैसी रही? एक्साइटिंग क्लास था सर, बहुत अच्छी रही। मतलब सर का जो जोश है वो 100 से ऊपर है। आपकी क्लास कैसी सर? बहुत अच्छी रही। मतलब मेरे पहले जो डाउट था वो सब क्लियर हो। ट्रेसिंग की बात करें या तो नेटवर्क सेशन की बात करें, डेस्क सेशन की बात करें, तो कैसा रहा थ्रू आउट? बहुत अच्छा है सर, बहुत नॉलेज मिला है। आपका कैसा रहा? मतलब सेक्शन को देखने का नजरिया कैसा हुआ? मुझे तो पहले दिन से वो दो सेक्शन का इंतजार था, एक नेटवर्क सेक्शन, एक डेट सेक्शन। तो कैसा रहा आपका? बहुत बहुत बढ़िया हुआ। और डेट सेक्शन का तो मेरे ख्याल से तीन बार रिव्यू हुआ था उसका। ओके। हाँ, जिस दिन हुआ था, बाद में हुआ, दो तीन दिन बाद हुआ, फिर दो तीन दिन कल भी हुआ था। ओके। सर ने एक छोटा सा टॉपिक छेड़ दिया था, वो बीच में पूरा रिव्यू कर दिया। हाँ, मतलब डेट सेक्शन का। ओके। तो आपका कैसा रहा? बहुत नॉलेज मिला, मतलब मेरा जो डाउट था सब क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर क्लास ज्वाइन की, तो सॉफ्टवेयर क्लास कैसी रही आपकी? सॉफ्टवेयर सर दुर्गेश सर के साथ अच्छा था, और सॉफ्टवेयर आप आराम से सिंपल से कर सकते हैं। आपका कैसा रहा थ्रू आउट? सॉफ्टवेयर तो मैं नहीं करता था सब पहले। जी जी। एक्चुअली सॉफ्टवेयर मतलब कुछ नहीं पता था एप्लीकेशन के बारे में। जी। दूसरों के दुकान में ही जाके करते थे। अभी तो एक मतलब कोई कस्टमर अभी रिटर्न नहीं जाएगा। नहीं। आपका कैसा रहा थ्रू आउट सॉफ्टवेयर? मतलब ड्राइवर टू लेकर इंस्टॉल तक सब मालूम पड़ गया। आप उड़ीसा में भी बोल सकते हैं, उड़िया में भी बोल सकते हैं आपको जो चलिए, उसके बाद फिर मेरे साथ क्लास होने के बाद फिर मिलन सर के साथ क्लास रही, तो फिर वो मिलन सर आपसे पूछेंगे कि उनका थ्रू आउट कैसा रहा सारा कुछ। जैसे आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के बाद हमारे EMMC की क्लास शुरू होता है, और EMMC की क्लास में पेस्टेड IC के साथ डबल डेकर भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, जो काम सॉफ्टवेयर से नहीं हुआ, जो काम EMMC हार्डवेयर से नहीं हुआ, वो सारा काम आपका कहां पे हुआ? EMMC में, मतलब लास्ट EMMC प्रोग्रामिंग है वो, मतलब सारा क्लियर हो जाता है। अब मुझे ये बताइए, कोई मोबाइल अगर प्रोग्रामिंग करना है और कोई मोबाइल फ्लैशिंग के बाद डेड हो गया है, तो आप उसको डायग्नोस करके प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं? 100% कर पाएंगे। अब उसके बाद कोई मोबाइल का अगर EMMC खराब रहा, तो कैसा आप चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चेंज भी कर सकते हैं। आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर? आप जी सर, बिल्कुल। और मैं और दूसरी बात करूँगा कि पेस्टेड IC कैसा रहा? पेस्टेड IC पहली बार जब निकाले थे, मैं तो बोलना चाहूँगा कि मैं IC का काम ही नहीं करता था। जी जी। पहले चार दिन में CPU और पावर IC का काम किया, यहाँ आने के चार दिन बाद। और पेस्टेड IC जब निकाले तो मतलब मन में बहुत कुछ चल रहा था कि कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं IC खराब हो जाएगा। फिर जब जिस तरह का नॉलेज मिला, जो ट्रिक मिला, टेक्निक मिला, वो आसानी से मतलब माउंट रिमाउंट हो जाता है अभी। तो उसके बाद आपने पेस्टेड IC क्लास करने के बाद लास्ट दिन में आपने क्या करके गए? लास्ट डुअल डेकर अभी तो आपने अटेंड किए हैं, अभी उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको। हाँ। और थैंक यू वेरी मच। आपको तीन लोग, आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से कोई अगर आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं तो 2014 से रिपेयरिंग काम में बिजी था, फिर भी मुझे आना पड़ा। मैं उड़ीसा से बोलना चाहूँगा कि जो फ्रेशर है और जो मतलब आधा अधूरा नॉलेज लेके काम करते हैं, उन्हें तो 100% यहाँ आना ही है। और 100% नॉलेज लेके दुकान में बैठना है और काम करना है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है और खुद को भी सेटिस्फाई करना है। तो ले चले, थैंक यू वेरी मच आप सबको, और आशा करता हूँ आप तीन लोग आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने और अपना शॉप का नाम बहुत रोशन करेंगे। ऐसे टेलीकॉम आपके साथ जिंदगी भर। थैंक यू। एक साथ कहेंगे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच।
गेट सेट गो। यस सर। एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? यस सर।